ईरान पर किस लड़ाकू विमान से जवाबी हमला करेगा इसराइल, कौन सा बम बनेगा पहली पसंद, इसराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। आशंका जताई जा रही है कि इसराइल जल्द ही अपने ऊपर हुए हमलों के जवाब में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हवाई हमला भी शामिल है। इसराइल के पास कई ऐसे लड़ाकू विमान और बम हैं जो इस मिशन को अंजाम दे सकते हैं। आज से लगभग 75 साल पहले जब दुनिया के पहले यहूदी राष्ट्र इसराइल का जन्म हुआ तो तुर्की और ईरान उसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाले पहले दो राष्ट्र थे। शाह रजा पहलवी के शासनकाल तक ईरान इसराइल संबंध सौहार्दपूर्ण थे, लेकिन 1979 में अयातुल्ला खुमैनी के ईरान पर कब्जे ने सब कुछ बदल दिया। ईरान का मानना था कि इसराइल को अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है। समय के साथ ईरान और इसराइल के बीच दुश्मनी बढ़ती रही। अमेरिका के इसराइल के खुल समर्थन ने मामले को और भी बदतर बना दिया। आज हालात इतने गंभीर हैं कि इसराइल ईरान को अपने अस्तित्व पर संकट के तौर पर देख रहा है। ईरान ने क्यों किया इजराइल पर हमला? कुछ दिन पहले दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने 14 अप्रैल को देर रात मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर दी। ईरान के हमले में इजराइल में जान माल को हुए नुकसान की सीमा स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन रिपोर्टों में कहा गया है कि इजरायली सेना ने 99% ड्रोन और मिसाइलों को रोक दिया और कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। उधर बाइडेन प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका हर कदम पर इसराइल की रक्षा करेगा। हालांकि बाइडेन ने नेतन्याहू को स्पष्ट रूप से सलाह दी है कि इसराइल के जवाबी हमले से संघर्ष बढ़ सकता है। बाइडेन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर यह भी कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में इसराइल की मदद नहीं करेगा। इसराइली वायुसेना ईरान पर हमले को तैयार। इसराइल सेना लंबे समय से अपने देश की सुरक्षा के लिए लंबी दूरी के लक्ष्यों पर हमला के लिए तैयार बैठी है। 1981 में ऑपरेशन ओपेरा के परिणाम स्वरूप इजरायली वायुसेना ने बगदाद के बाहरी इलाके में ओसिरक इराकी परमाणु रिएक्टर नष्ट किया था। इस मिशन को इजरायली वायुसेना के 4 F-15 के साथ 8 F-16 ने पूरा किया था। सितंबर 2007 में इजरायली वायुसेना ने ऑपरेशन ऑर्चर्ड के हिस्से के रूप में एक कथित सीरियाई परमाणु रिएक्टर पर सफलतापूर्वक बमबारी की थी। ईरानी एयर डिफेंस को तोड़ने का अभ्यास कर चुका है। इजराइल अभी तक इजरायली वायुसेना ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला करने की किसी योजना की घोषणा नहीं की है, लेकिन उसने हाल ही में ऐसे हमलों का अनुकरण करते हुए बड़े पैमाने पर अभ्यास किया है। ऐसे ही एक अभ्यास में इजरायली F-35 विमान ने ईरानी एयर डिफेंस को तोड़ने का अभ्यास किया और दूसरे में इजरायली वायुसेना के पायलटों ने लंबी दूरी के लड़ाकू अभियानों में भाग लिया। इसराइल के पास विकल्प क्या है? अमेरिकी सलाह के बावजूद इसराइल रणनीतिक महत्व वाले ईरानी लक्ष्य पर जवाबी हमले पर सक्रिय रूप से विचार कर सकता है। जब से ईरान ने अपनी परमाणु क्षमता विकसित करने में पर्याप्त प्रगति की है, इसराइल ने हमेशा फोर्डो और नटानज में प्रमुख परमाणु सुविधाओं पर हमला करने पर विचार किया है। ईरान के ये दोनों परमाणु फैसिलिटी शुरू से ही इसराइल के निशाने पर हैं। इजरायली वायुसेना के इराकी और सीरियाई परमाणु फैसिलिटी के विनाश ने स्पष्ट रूप से इस संकल्प को सुनिश्चित किया कि जो देश इजरायल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, उन्हें परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आसान नहीं होगा ईरान पर हवाई हमला, ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर हमला करना इजरायल के लिए इराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात, ईरानी परमाणु फैसिलिटी बिखरी हुई हैं और उनमें से कई पहाड़ियों में स्थित हैं। दूसरी बात यह कि इजराइल से ईरान के परमाणु स्थलों तक सीधी उड़ान के लिए भी हवा में ईंधन भरने या ईंधन भरने के लिए लैंड करने की आवश्यकता होगी। ईरान और इजराइल के बीच जॉर्डन, इराक और सऊदी अरब स्थित हैं, जिनमें से कोई भी इजरायली लड़ाकू विमानों को न तो लैंडिंग की इजाजत देंगे और न ही अपने आसमान से उड़ान भरने की मंजूरी देंगे। कौन से लड़ाकू विमान का इस्तेमाल करेगा इसराइल, ऐसी संभावना है कि इसराइल अपनी जवाबी कार्रवाई में F-35 और F-35X का इस्तेमाल कर सकता है। इजरायली वायुसेना ने इन दोनों विमानों के साथ ईरान के खिलाफ हवाई हमले का जबरदस्त अभ्यास किया है। ये दोनों एयरक्राफ्ट कई तरह के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इनमें से F-35 का
इस्तेमाल ईरानी एयर डिफेंस को तोड़ने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि ये विमान आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। हमले की दूसरी लहर को F-15 ईगल अंजाम दे सकते हैं। F-15 ईगल का नवा अवतार F-15EX है, जो उन्नत एवियोनिक्स ECM-ECCM सुइट और शक्तिशाली AESR रडार के साथ पहले से ही उत्पादन में है। कौन सा बम बनेगा इसराइल की पहली पसंद, इसराइल के F-15 ईगल या F-15EX? लड़ाकू विमान 5000 पाउंड के अमेरिकी GBU-72 बम के साथ हमले को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा ये लड़ाकू विमान अलग अलग लक्ष्यों के लिए 2000 पाउंड के छोटे बमों का भी उपयोग कर सकते हैं। ईरानी परमाणु फैसिलिटी फोर्डो का मुख्य कक्ष जमीन में लगभग 80 मीटर गहराई में मौजूद है। ये इतनी गहराई है कि अमेरिकी शस्त्रागार में केवल 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम ही तुरंत नष्ट कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप प्रशासन के तहत भी अमेरिका ने हमेशा इसराइल को ऐसे बंकर बस्टर उपलब्ध कराने से इनकार किया है। F-15EX को इतना महत्व क्यों दे रहा इसराइल? F-15EX में सबसे आश्चर्यजनक बदलाव इसकी बढ़ी हुई हथियार ले जाने की क्षमता माना जाता है। बोइंग के मुताबिक F-15EX भारी भरकम 29,500 पाउंड हथियार ले जाने में सक्षम होगा। यदि दावा सही है तो यह दुनिया में कहीं भी किसी भी लड़ाकू विमान द्वारा उठाया गया सबसे अधिक हथियार होगा। संशोधित F-15 संस्करण का अत्यधिक रणनीतिक महत्व होगा। इसराइल पहले ही F-15EX और F-35A हासिल कर चुका है। F-15EX के अधिग्रहण ने इसराइल को परमाणु रिएक्टर पर अपने तीसरे हमले पर विचार करने और योजना बनाने में सक्षम बनाया है। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी? धन्यवाद।